Ne bırakır ha? Hem de sen. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 10 मार्च। आज दन्यूर का जो मेन कूल है चैनल का सफाई का दिन है। तो दन्यूर के जितने भी लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ पे हैं, तो सारे आज उस मेन कूल की सफाई के लिए जाएंगे। वहाँ पे नियाज का प्रोग्राम भी होगा और सफाई होगा कूल का। तो चलते हैं मेन कूल की तरफ। चैनल का तो यहाँ से अंदर हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। ये है दन्यूर का नाला। इस तरफ की जो आबादी है नाले से, इस तरफ ये दन्यूर की आबादी है और नाले से उस तरफ ये सुल्तानाबाद है। तो अभी जाएंगे हम। ये नियाज का इंतज़ाम हो रहा है। यहाँ पे सामान पहुँच गए यहाँ पे। जो खाना पकाने का इंतज़ाम है, ये चंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। ये नाले की सफाई करते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर काम जो होता है वो मेन नाले वाले साइड पे होता है, इस तरफ ज़्यादा काम नहीं होता। हल्के फूट के जो भी पत्थर आते हैं तो आगे जाते हुए लोग बाहर फेंकते जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या खोला का बान है? यहाँ पे काफी बड़ा सा पत्थर ऊपर से शायद गिर गया है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जगह भी क्लियर कर देंगे। यहाँ पे सैदाबाद के नौजवान लगे हुए हैं काम पे। यहाँ पे फराज साहब भी लगे हुए काम करते हुए। ओमीन मार। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अमल चल रहा है, तो यहाँ पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो चौकीदार का फीस और उसके साथ जो नियाज का फीस है, यहाँ पे जमा करवा के अपना नाम रजिस्टर करवा देते हैं यहाँ पे।
Kohaji laga bhai khule dai khule gupre dabe chaniru kaha dab shukri shukr ka ko उसके नियाज किया जाएगा और इस पे फिर लेकिन चले मर सफा उचा हमारे शेफ लगे हुए हैं कटिंग में टाइम के गुजरते साथ साथ यहाँ पे लोगों का तादाद भी बढ़ता जा रहा है अभी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं हर तरफ लगे जवान आगे बड़े बड़े पत्थर उठाने में लगे हैं जैसे साथ साथ पीछे छोटे बूढ़े सब लगे हैं अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं सारे लगे हुए हैं और इस तरफ हमारे नंबरदार हजरात बैठे हुए हैं काम का सारा जायज़ा ले रहे हैं यहाँ से
है अभी सब का हमला है खाने के ऊपर तकरीबन खाना खत्म हो चुका है कुछ लोग उनको एक बार मिला है कुछ लोग तीन तीन चार चार खा के भी अभी कह रहे हैं हमें मिला नहीं है पानी के तकसीम के लिए अभी यहाँ पर टास होगा चौकीदार आ गया ठीक है 14 तारीख को 13 तारीख को पहला नंबरदार खाना खाने वाले जगह पे लोगों का तादाद आपने खुद देखा अभी यहाँ पे जहाँ काम हो रहा है वहाँ पर आप देखे बस यही लोग बचे जो काम कर रहे बाकी खाना खाने के बाद लोग ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सिंह बस यही काम करने वाले बंदे कुछ रह गए तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है बस ये फाइनल सिचुएशन बस यहाँ शायद सिर्फ पानी को इस तरफ मोड़ने का काम बाकी है सब्र में बरकत है अभी तक खाना ख़त्म नहीं हुआ अभी तक खाना चल रहा है आराम आराम से खाए तो सबके लिए खाना है खाना ज़्यादा भी है लेकिन लोगों का पहले हमला हुआ था खाने पे लेकिन अभी बेहतर है हालत खाना अभी भी है सारे खा रहे हैं कंप्लीट होने के बाद सारे अपने घरों की तरफ जा रहे हैं